हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए ले आए हैं काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण जो है आपको जान लीजिए कि इंटरव्यू में तो बहुत कम पूछ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इससे फायदा यह है कि आप इसको पढ़ करके हिंदी के बारे में आचार्यों के विचार समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जामों में बैठते हैं, सी टेट और टेट के एग्जाम में बैठते हैं, तो निश्चित रूप से आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो चलते देखते हैं इस पाठ को उनको पढ़ करके। संस्कृत में काव्य लक्षण, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः तीन आधारों पर किया है। संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने तीन आधारों पर किए हैं। जब इन्होंने काव्य के लक्षण बताया तो उसका तीन आधार माना है। एक आधार है उसका शब्द और अर्थ। पहला आधार क्या है? शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ के आधार पर आचार्यों ने काव्य का एक लक्षण माना। इसके बाद शब्द के आधार पर और रस और ध्वनि के आधार पर, शब्द के आधार पर और तीसरा जो है आपका रस के आधार पर। क्योंकि आचार्यों ने तीन आधारों पर काव्य के लक्षण निकाले हैं या बनाए हैं। कितने आधारों पर? तीन आधारों पर, तीन आधार स्तंभ पर टिके हुए हैं। शब्द के आधार पर काव्य के लक्षण जो हैं आचार्य यह हैं और दूसरा है काव्य के लक्षण, दो पार्टों बांट के इसका अध्ययन करते हैं। तो आचार्य हैं भामह। भामह काव्य का लक्षण क्या बताते हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द अर्थ सहित जो होता है वही क्या है? काव्य है। रुद्रट, रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम। बामन कहते हैं काव्य शब्दो यगु रालंकार संस्कृतयो शब्दार्थो प्रवर्तते। कुंतक कहते हैं शब्दार्थो सहित वर्क कवि व्यापार शालिनी। मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुन नव लंक्रवर्ती पुनः क्वापि। वाग्भट्ट बोलते हैं साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम। स्फुट रीति सोपे काव्यम कुवृत्ति कीर्तये। आनंद वर्धन कहते हैं सहृदय लाली शब्दार्थ मयम काव्यम लक्षणम। राजशेखर जो गुप्तों के दरबारी थे, ये राजशेखर कहते हैं गुण वद लंकृच वाक्यमेव काव्यम। विद्याधर कहते हैं शब्दार्थो वपुयस्य शब्दार्थ वपुस्तावत काव्यम। क्षेमेंद्र कहते हैं काव्य विधि विशिष्ट शब्दार्थ साहित्यम सदलंकृति। ये जो है काव्य के लक्षण हैं। शब्द के आधार पर काव्य के लक्षण की बात करें, हम शब्द के आधार पर काव्य लक्षण की अगर बात करें तो आचार्य और शब्द लक्षण, तो दंडी जो है दंडी शरीरम तावर्दिष्ठार्थम व्यवस्थिनाम पदावली। जैसा कि आप जानते हैं दंडी जो है दंडी पद लालित्य के लिए फेमस थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? पद लालित्य। दंडी जो है दंडी पद लालित्य के लिए
पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। दंडी जो है पद लालित्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जयदेव जो है निर्दोषाम लक्षणवती सरिति गुणा भूषणा सालंकारम रसेनकम प्रवृत्ति प्रवृत्ति काव्य नाम वाकम। जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थम प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। रस और ध्वनि के आधार पर काव्य के लक्षण की बात करें तो विश्वनाथ वाक्यम रसात्तम काव्यम। भोजराज कहते हैं निर्दोषम गुण गुणवत् काव्यम लंकारम रय रंकृतम रसाभिनतम कवि कुर्वनम कीर्ति प्रतीतम वदंती। मध्यकाल में कवियों की बात करें, मध्यकालीन हिंदी कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं, निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। केशव, केशव जो है हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। केशव जो है रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल के कवि होते हुए ना राम भक्ति, राम भक्ति जो है इन्होंने दिखाया है। क्या दिखाया, राम भक्ति दिखाया है। इन्होंने कहा यद्यपि सुजाति सुलक्षण सुवरण सुरस सुवृत्ति भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मीत। श्रीपति यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छब नहीं रस बिन तथपि प्रवीण। चिंतामणि सगुण अलंकार अलंकारन सहित दोषम सहित होई सब शब्द अर्थ वारो कवित्व विबुध कहत सब काय। कुलपति मिश्र कहते हैं दोष सहित दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। ये जो है सूरत मिश्र का कथन है। वर्णन मनरंजन जहां वर्णन मनरंजन जहां रीति अलौकित होय निपुण कर्म कवि जो ज तही काव्य कहत सब कोई। चलत बहे कविदेव, कविदेव कहते हैं शब्द जीवति मन रसमय सुजस शरीर जुग छंदन गति अलंकार गंभीर। सोमनाथ कहते हैं सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मति अवरुद्ध भूषण जतु कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। बिहारी दास कहते हैं भिखारी दास जी कहते हैं रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दृषण करे करुपता। आधुनिक युग के हिंदी आचार्यों व कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता की परिभाषा बताते हुए द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों को अंतःकरण की वृत्तियों के
चित्र का नाम कविता है। जिस अगला है, जिस प्रकार कविता आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय मनुष्य की वाणी, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना और इतिहासकार के इतिहास के महापंडित माने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और इतिहास लिखा। इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लिखा है, तो निश्चित रूप से ये जो है इनका काफी योगदान है। इन्होंने कविता की बहुत अच्छी परिभाषा भी दिया है। दूसरी जो है कविता की परिभाषा क्या कहते हैं, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। काव्य तो प्रकृति का प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र के स्वभावतः अनुरूप भाव भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदना को ही भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक धारा है। आत्मा की मन शक्ति की वह साधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है, जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। महादेवी वर्मा कविता के बारे में कहती हैं, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। महादेवी वर्मा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और इन्होंने कविता का एक बहुत ही सरल लक्षण बताया। कहा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता क्या है? हमारे संपूर्ण परिपूर्ण क्षणों की क्या है? वाणी मात्र है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नागेंद्र का ये कथन है। डॉक्टर नागेंद्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं हिंदी के। ये जो है कुछ विदेशी राइटर्स हैं, इन्होंने भी कविता के बारे में कुछ बताया है कि कविता क्या है। तो आप इसमें देखिए, ड्रेन का कथन है, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। पोएट्री क्या है? एक आर्टिकुलेट म्यूजिक है। ये जो है ड्रेन का कथन है। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर वेस्ट ऑर्डर, जो है कोलेरेज का कथन है। ये कालरेज भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालरेज बोलते हैं। कालरिज भी लिखा रहता कहीं पर, कालरिज। ये जो है कालरिज का कथन है। कालरिज जो है कहता है, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट
ऑर्डर. पोएट्री इज ए राइट हिम creation of beauty. Poetry is a write him creation a beauty. Edward Allan Poe का कथन है ये. Poetry is the spontaneity worthy flow of powerful Lee claim its origin from emotion. हाँ ये जो है वर्डबोस का कथन है, वर्थबोस का बोलते हैं इनको. पोएट्री इज ए एट बॉटम ए क्रिटिज्म ऑफ द लाइफ. जो है पोएट्री कविता जो है निश्चित रूप से आलोचना है, किसकी जीवन की आलोचना है. ये जो है कुछ विदेशी राइटर्स थे, इनके बारे में ये इन्होंने कहा है. काव्य हेतु क्या होता है, काव्य हेतु के बारे में पढ़ते हैं. आप ये जान लीजिए कि बहुत कम ऐसा होता है जब इनके कथन आपको पूछते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी पढ़ाने वाले प्रायः जो है, ये तो मैं नहीं कहता कि सभी अंग्रेजी में कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ निश्चित रूप से क्या होते हैं, अंग्रेजी में कमजोर होते हैं. तो ये जो है आप इसको जो है आप समझ लीजिए कि ये जो है इनके कथन हैं. आप इसको आगे हम देखते हैं काव्य हेतु में कौन कौन से हैं. हेतु शब्द का अर्थ है हेतु नाम कारण. हेतु शब्द का अर्थ क्या होता है, हेतु शब्द का अर्थ है हेतु नाम कारण, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं. अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण. किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं. बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं. भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के तीन भेद बताए गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास. इनमें प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कनिल का बीज कहा गया है. आचार्य भामह ने काव्यालंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य का सजन का मूल सृजन का मूल माना है. गुरु पदेशाध्ये तुम शास्त्रम जड़ धियो अपलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः. आचार्य दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, विमल सास ज्ञान तथा सुदन अभ्यास का संयुक्त रूप में काव्य सृजन का हेतु माना है. नैसर्गिक प्रतिभा, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुनिर्मलम अमदान्दम चाभि योगे अस्या कारणम काव्यम संपदः. आचार्य बामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है. इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग काव्य हेतु स्वीकार किया है. लोको विद्या प्रकीर्णस्यम काव्यांगानि. आचार्य बामा का लोक से तात्पर्य, आचार्य बामन का लोक से तात्पर्य है लोक व्यवहार. विद्या के अंत उन्होंने शब्द शास्त्र, अभिधान कोश, छंद शास्त्र, कला, काम शास्त्र, दंडनाथ को लिया है. स्पष्टतः
विद्या से उनका अर्थ व्युत्पत्ति है। विद्या से उनका अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति है। प्रकीर्णन के अंतर्गत उन्होंने लक्षण जत्व, काव्य परिचय, अभियोग, काव्य रचना का उद्योग, बद्ध सेवा, प्रतिभा और अवधान, चित्त का एकाग्रता को लिया है। वस्तुतः बामन प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु मानते हैं। कवितस्व बीजम प्रतिभाम प्रतिभानाम कवित्वम बीजम। आचार्य दुर्गदत्त ने शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहा है, काव्य में आसार वस्तु को दर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुलता के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास से ये तीनों स्थान पाते हैं। उन्होंने प्रतिभा का शक्ति कहा है तथा इसका दो भेद किए हैं, सहजता और उत्पादा। सहजता नैसर्गिक शक्ति है तथा उत्पाद्या व्युत्पत्ति शक्ति है। आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप से हेतु स्वीकार किया है। शक्ति निपुणता को लोकशास्त्र काव्यात्वे लक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तुभ्यते, ये जो है बताया गया है। अगला है जयदेव ने, जयदेव अगले विद्वान है, जयदेव ने चंद्रालोक में कहा है, श्रुत व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, उसी प्रकार से कविता शब्दों से बनकर महाकाव्य का रूप धारण कर लेती है। पंडित राज जगन्नाथ ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु न मानकर प्रतिभा का हेतु स्वीकार किया है। उनका कहना है, काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा। प्रतिभा क्या है? काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। भटौत ने नए नए भावों के उनमें से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा विदुः। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माणम क्षमा प्रज्ञा। आचार्य शेखर राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। पहला है कार्यत्री प्रतिभा और दूसरा है भावात्री प्रतिभा। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं तथा सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावात्री प्रतिभा कहते हैं। आचार्य वाग्भट्ट ने लिखा है, प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की इस स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्वित्त क्रिया कहा है। व्युत्पत्ति का अर्थ है बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य। राजशेखर ने लिखा है, उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। उचित और अनुचित का
जो वास्तव में सही परख कर लेता है वह क्या है? व्युत्पत्ति है। उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। अभ्यास क्या है? काव्य रचना के लिए निष्ठापूर्वक बार बार किए जाने वाले प्रयत्नों की अखंडता श्रृंखला ही अभ्यास है। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहा, अभ्यास कहते हैं। राजशेखर ने कहा निरंतर जो अभ्यास करते रहते हैं वह क्या है? अभ्यास है। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे काव्य हेतु क्या है। काव्य हेतु क्या है और प्रत्येक आचार्यों ने काव्य हेतु के लक्षण क्या बताए हैं। पोएट्री क्या है? पाश्चात्य विद्वानों ने लिखित काव्य लक्षण जो बताए हैं ये पाश्चात्य विद्वानों के बारे में है। आपको बता दें इसको पढ़ने में, मान लीजिए कि हम लोगों को हिंदी मीडियम के छात्र हैं और हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट रहा है तो थोड़ा सा पाश्चात्य जो है उसको पढ़ने में मान लीजिए थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निश्चित रूप से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है उच्चारण इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात, ये आपके काव्य के पूरे लक्षण हमने बता दिए हैं और ये इसके अगली क्लास के लिए हम आपको फिर से मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल मनोज IAS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, हमारे वीडियो को कमेंट लिखें। कमेंट अपेक्षित, मैं चाहता हूं कि अगर आप कमेंट लिखते हैं कोई प्रॉब्लम आपको हो तो नेगेटिव कमेंट न लिख करके आप एक बार जो है हमारे जो वो नंबर होते हैं नंबर्स पर कॉल करके आप उसका सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।